जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं माघ मास महात्म्यम का 22वां अध्याय सुनाती हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देव द्युति भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगी कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं, उस स्रोत को पहले गुरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सजनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला, जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति है उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से ही हे प्रभु आप चक्रपाणि कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कमेंद्रियों, पंच महाभूत तथा उनके विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की अल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोक करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाले ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को सम्मान देखते हैं, यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से ही हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्वघन भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो वह विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं, उनके कार्य में सत, रज और दुख, तुम इन तीनों गुणों में विद्यमान हो, वह भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है,
उसका साथ करने पर भी साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनकी पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको दर्शन देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सभी हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको दर्शन देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संकार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह भगवान ब्राह्मण भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्त्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि मन तथा इंद्रिया स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु कराता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, जो इस स्रोत को एक काल दो काल या तीन काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो प्रातःकाल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वैद्युति का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं।
विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि गऊं शरण मैं, तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। बिलनी के बेल सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगे, स्वामी रुचि रुचि भोग लगे, ऐसे दीन दयालु, ऐसे भक्त के पालु, सबके कष्ट हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी कब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे।